वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर में जो काव्यगत सौंदर्य दिया गया है उसमें रस दिए गए हैं कुछ। तो हम दो रस जो हैं, एक करुण रस और एक हास्य रस के ऊपर बात करने वाले हैं। हास्य रस में आपने कोई चलचित्र देखा है या कुछ सुना है या फिर आपने कहीं पे जोक्स वगैरह कुछ पढ़ा है, तो उसको पढ़ने के बाद में जो आपके हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसकी वजह से लबों पर मुस्कान आना, खुश हो जाना इत्यादि हास्य रस कहलाता है। करुण रस की बात करते हैं। आपने कुछ भी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आपके मन में दुख का भाव प्रकट हो जाता है तो वो करुण रस कहलाता है। उसकी डेफिनेशन और बाकी सब चीज़ें हम अब आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रस की डेफिनेशन देखेंगे। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस के जिस भाव से यह अनुभूति होती है वह रस वह स्थायी भाव कहलाता है। जो रस में जो स्थायी भाव होता है वह रस छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। तो इसमें भी बताया गया है कि जो भी आपने श्रव्य या तो काव्य पढ़ा है या फिर सुना है या दृश्य देखा है उसके देखने की वजह से जो आपको आनंद मिलता है जिसकी वजह से आप का मन या तो दुखी हो जाता है या फिर खुश हो जाता है उसको ही रस कहते हैं। आपने जनरली कभी देखा भी होगा, जैसे मान लिया आपने कोई भी मोबाइल पे कोई भी कॉमेडी देखी है तो आपके मन में हास्य का भाव जागृत हो जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य रस कहलाता है। जो भी आपने पढ़ा है सुना है देखा है उसमें जो आनंद आता है वही रस कहलाता है। अब रस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हास्य, बात करते हैं हास्य रस की। किसी की वे आकृति वेशभूषा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास्य कहा जाता है। आपने जनरली देखा भी है आजकल कई सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक, यूट्यूब और हेलो ऐप और भी कई सारे ऐप हैं जिन पे अधिकतर कॉमेडी वीडियो पब्लिश की जाती है। पब्लिक एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करती है उसके माध्यम से। तो यहाँ पर ही आपका ये हास्य रस की उत्पत्ति होती है जब हमें उसे देखकर हास्य का भाव जागृत हो जाता है हमारे मन में। इसके कुछ उपकरण हैं, जैसे स्थायी भाव है हास्य, विभाव है उसमें दो पॉइंट हैं आलंबन और विभाव, फिर उद्दीपन है इसमें दिखाया गया है इसमें किस पॉइंट पे क्या क्या होने वाला है। तो अनुभव हम देखते हैं आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, अट्टहास आदि। संचारी भाव है हर्ष, आलस्य, निद्रा और चपलता, कंपन, उत्सुकता आदि। इन अनुभवों से पता लगेगा कि यहाँ पे रस जो है वो हास्य है। अब एग्जांपल देखते हैं कुछ। जैसे एक एग्जांपल है हंसी हंसी भाजे देखे दूल दिगंबर को, पहावनी जे आवे हिमाचल की ऊषा में। तो ये हास्य रस का एक एग्जाम्पल है। इसमें अगर इसका अर्थ देखते हैं तो इस तरह से है, जब आपको पता हो जब पार्वती जी के साथ शादी हुई थी शिव जी की तो वो बारात लेकर गए थे और उसमें भूत और इधर उधर की ये सभी गए थे। तो पार्वती जी ने अपनी बालकनी से देखा जब, तो उनको देख देख के वो हंस हंस के भागने लग गई थी। तो वहीं हास्य रस की इसमें बताया गया है। शीश पर गंगा से बुझनी बुझंगा से, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये भी तभी का है। शीश पर गंगा थी उनके, बुझनी बुझंगा हंसे मतलब जो सभी साथ में थे सब हंसे, और जो भूत प्रेत थे उनको दंगा भया शिव जी के
बिहा में। अब हम बात करने वाले हैं करुण रस किसी भी प्रिय वस्तु व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश उत्पन्न शोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। विभव अनुभव संचारी भाव के संयोग से पूर्णता प्राप्त होने पर शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो अपने ऊपर देखा है डेफिनेशन में, कोई अप्रिय वस्तु है और व्यक्ति है यार, तो यदि वह बिछड़ जाता है या दूर हो जाता है आपसे या विनाश हो जाता है किसी वस्तु का, तो वहाँ पे करुण रस होता। और जब ये भाव विभव अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो इसको ही हम करुण रस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा रामायण में सीता जी राम से बिछड़ गई थी, तो वहाँ पे करुण रस था, शोक का भाव था। तो इसमें कुछ उपकरण हैं, जैसे कै भाव शोक रहेगा, विभव आलंबन विनिष्ट विनयति अथवा वस्तु, उद्दीपन आलंबन का धाकर्म इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं इष्ट के चित्र का दर्शन आदि, अनुभव भूमि पर गिरना निस्वन छाती पीटना रोना प्रलाप मूषा देव निद्रा कंपन आदि, संचारी भाव निर्वेद मोह अपस्मार व्याधि ग्लानि स्मृति श्रम विषाद जड़ता देन्य उन्माद आदि। तो ये सभी, इनसे पता लगेगा कि यहाँ पे करुण रस है। जैसे कि शुरू में शोक, स्थायी भाव शोक रहने वाला है, विभाव विनिष्ट विनय वस्तु मतलब इन वस्तुओं का दूर हो जाना किसी का भी, उद्दीपन, फिर है अनुभव, अनुभव कैसे होगा आपको, मान लिया कोई भूमि पर गिर गया है, निस्वन हो गया, सांस लेना बंद कर दिया है, सांस रुक गया है, छाती पीट रहा है, रोंद रहा है, प्रलाप कर रहा है, मूर्छा देव निद्रा कंप आदि। इससे हमें पता लगेगा कि कोई भी व्यक्ति है वो अब करुण रस में से परिपूर्ण है, उससे कोई चीज़ बिछड़ चुकी है, दूर जा चुकी है, इस तरह से आपको पता लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जाऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे जाएंगे वानर वहाँ। तो ये जब एग्जाम्पल है, जब सीता जी को रावण उठा के ले गया था और राम जी जो है वो सुग्रीव के यहाँ पर गए थे, तब ये वहाँ पे वहाँ का एग्जाम्पल दिया गया है, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊँगा यहाँ। तो वहाँ पे करुण रस था, उसी तरह से एग्जाम्पल दिया गया है कि राम जी कह रहे हैं कि सीता को तो वो ले कर चला गया है, मैं भी नहीं जी पाऊँगा, और फिर वो सब भी कह रहे हैं कि हम भी वहीं पर जाएंगे। तो यहाँ पे शोक है एक तरह का और रस है यहाँ पे करुण रस, क्योंकि शोक है आपको दिखाई दे रहा है कि वो जो किस तरह से लिखा हुआ है, इसी तरह से पहचान करेंगे हम कि कौन सा रस है। आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।